और मैं प्लेस करूंगा एक मिनट नहीं, मैं डाउन ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। बस आपको दिखाने के लिए, आपको मार्केट के फॉल से भी तो बचने हैं। देखिए ट्रेड हम विन कर चुके हैं। हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए YouTube वीडियो के साथ। फाइनली मैंने आज एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ आपको, जिसका मैंने नाम रखा अल्टीमेट स्ट्रेटजी। बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान स्ट्रेटजी और बहुत ही बढ़िया आपके लिए विनिंग रेशियो है। सो अगर आप कंफर्टली अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में 7 से 8 ट्रेड आप विन करोगे, इसमें कोई चीज इसमें बढ़ नहीं है। और मैं एक चीज बता दूं, कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे वो पेड हो, चाहे एक्सपोर्ट लेवल की हो, कहीं की भी हो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेसी नहीं देती। ये चीज दिमाग में आप रख, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उस अल्टीमेट स्ट्रेटजी को, जो बहुत ही शानदार है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊं तो आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहे, आपसे वो मिस आउट ना हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारा VIP टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं अपने सारे कॉल पर सिग्नल प्रोवाइड कराता हूं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 90% आपको एक्यूरेसी होगा कि आपको प्रॉफिट ही होगा, उसमें कोई बट नहीं है। तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन जरूर कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटजी को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओ ये वाले सिंबल पर और आपको इंडिकेटर पे जाना हो। और दूसरी चीज मैं बता दूं दोस्तों, चाहे आप फोन में यूज करो चाहे PC में IGT सेम, ठीक है। जिग जैग फर्स्ट क्लिक, थोड़ा सा इसका रेशियो बदल लेंगे हम। डेप्थ होगा जो 6 होगा, डेप्थ को उसे क्लिक करते हैं और डेप्थ को आपको 6 कर लेना है और ये 5 ही रहेगा, ठीक है। कोई नहीं, डेप्थ 6 हो गया, 6-5 का हो गया, ठीक। दूसरी चीज आप जाओगे इसी में, आपको मिलेगा एक बॉलिंजर बैंड्स ले लिया हम, ठीक है। बॉलिंजर बैंड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, नहीं कोई डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे। और एक लेंगे हम ऑसिलेटर में जाएंगे MACD, हमने 3 चीज़ ले लिया। MACD में थोड़ा सा मैं डिफरेंस इससे, यहाँ पे जाओगे आप सब कुछ वही रहेगा, हिस्टोग्राम में दिख रहा है ना, इस पर आप बार्स पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस में बढ़ा देता हूँ, ठीक। ये तीनों कंडीशन हमारी अप्लाई हो चुकी है, एक बार आप देख लो इस अल्टीमेट स्ट्रेटजी में, जिगजैग, बॉलिंजर बैंड और MACD, ठीक है। इसमें आपने 6/5 रेशियो कर लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने इंस्टाग्राम पे जाके यहाँ पर ये चेंजेस कर दिए हैं, यहाँ पे क्लिक किया है मैंने और ये एरिया अब बार्स पे कर दिए। ये लाइन होता है, ये बार होता है और ये एरिया होती है, ठीक। तो बहुत बढ़िया काम करने वाली है आपके लिए, बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, ठीक। और बेसिकली आप एक मिनट का आराम से इस पर ट्रेड प्लेस करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजीली हम विन करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए जब क्या होगा ना, आप फर्स्टली फोकस करोगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे और ये लोअर बैंड पे। और बॉलिंजर बैंड के इस बॉन्ड बैंड के बारे में और भी ज़्यादा डिस्क्राइब वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अपर बॉन्ड को देखेंगे आप और लोअर बॉन्ड को देखेंगे। फर्स्ट व्यू जो होगा आपका, मैंने क्या बोला, फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा, फर्स्ट व्यू क्या होगा, बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड देखोगे और नीचे लोअर बैंड, ठीक। अपर बैंड पे जाओगे, अपर बैंड को टच करता हुआ मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, तो अपर बैंड इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। बॉलिंजर बैंड आपको पता है पहले से, बॉलिंजर बैंड अपने से बाहर इसको नहीं जाने देता है। थोड़ा सा जिगजैग का मैं कलर बदल लेता हूँ, थोड़ा सा विजुलाइजेशन में दिक्कत हो रही है, चलिए ये कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा थिकनेस हल्का सा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप बॉलिंजर बैंड, जब इस बॉलिंजर बैंड को मार्केट टच करेगा अपर वाले को, तो वहां से मार्केट नीचे आता है, ठीक। फर्स्ट कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन, जिगजैग भी हमें किधर दे रहा है सिग्नल, नीचे दे रहा है, किधर दे रहा है, नीचे दे रहा है। दूसरी कंफर्मेशन, हम नीचे चले जाते हैं, MACD की जो लाइन है ग्रीन वाली लाइन क्या होनी चाहिए, येलो वालों को, सॉरी ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को कट करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये इसको ग्रीन लाइन इस रेड वाली लाइन को कट कर रहा है। और बार्स कहाँ बन रहे हैं, नीचे बन रहे हैं, बार्स कहाँ बन रहे हैं, नीचे। तो आप यहाँ पे एक मिनट, दो मिनट तक का ट्रेड आराम से प्लेस करते हैं, इजिली विन कर जाते हैं। ये होती है डाउन की कंडीशन, ये क्या होती है, डाउन की कंडीशन। और यहीं पे मैं आपका कंडीशन, बॉलिंजर बैंड मार्केट कहाँ टच कर रहा है, बॉलिंजर बैंड के लोअर को, आप देखो मार्केट कहाँ टच कर रहा है, बॉलिंजर बैंड के लोअर को इजिली देखो, ठीक। और यहाँ पे कंडीशन, और ये जिगजैग हमें कहाँ सिग्नल दे रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या बता रहा है, अप है। दो कंडीशन फुलफिल हुई, तीसरे देखिए ग्रीन लाइन इस येलो लाइन को कट कर रही है, इजिली कट करके ऊपर जा रही है, कट कर रही है ना, देखिए एज ए पॉइंट। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे जो बार बन रहा है अपर साइड बन रहा है, बार अपर बन रहा है ना, ये जो जीरो लाइन है इससे बार कहाँ बन रहा है, अपर बन रहा है। तो हमारी चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे हम एक मिनट से लेके 5 मिनट तक का भी ट्रेड आराम से प्लेस करते तो भी हमें विन कर जाते, ठीक है। तो मैं बेसिकली करूंगा आपसे कि एक मिनट का ट्रेड है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। और कोई असिस्ट ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, एक तरह का एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। और ऐसे जगह आप ट्रेड नहीं प्लेस करोगे, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, ठीक।
ठीक। अब यहाँ पे देखो ये अपर बाउंड को टच कर रहा था मार्केट, वहां से डाउन आया और ये जिगजैग भी हमें सिग्नल दे रहा है नीचे का, दो कन्फर्मेशन तीसरी कन्फर्मेशन, एक ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस ओवर करके नीचे आ रही है और इंस्टोग्राम पे जो बार बन रहे हैं भी नीचे बन रहे हैं ठीक। तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करते आराम से विन करते, कोई डाउट नहीं था, डाउन ट्रेड लेते ठीक है। और अब के लिए क्या करना है देखिए, आपको फर्स्टली फोकस करना अपर बॉलिंजर बैंड पे और लोअर बॉलिंजर बैंड पे ठीक है। तो लोअर बॉलिंजर बैंड हो गया, यहाँ से टच करेगा मार्केट कहाँ जा रहा, अब जाएगा ठीक, फर्स्ट कन्फर्मेशन दूसरी कन्फर्मेशन, क्योंकि बॉलिंजर बैंड अपने से बाहर मार्केट को जाने नहीं देता, अगर अब जाएगा तो तुरंत कहेगा भाई नीचे आ जा, और नीचे रहेगा भाई कहेगा ऊपर चल जा। और ये हमें जिगजैग के सिग्नल भी कहाँ मिल रहे हैं, अब साइड में मिल रहे हैं ठीक, दो कन्फर्मेशन तीसरी कन्फर्मेशन, ग्रीन लाइन इसको कट कर रही है, इस रेड वाली लाइन कट कर रही है ना, बहुत अच्छे से कट कर रही है ठीक। और इंस्टोग्राम पे जो बार बन रहा है ये भी अपर साइड में बन रहा है, तो हमारा चारों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, चारों टर्म एंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करते हैं, इजीली विन करते हैं। अब देखिए मार्केट इसको क्रॉस ओवर करके नीचे आ रहा है, ये लाइन अभी कट नहीं किया है, जिगजैग भी हमें कोई सिग्नल नहीं दिया है, तो ऐसे जगह आप ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। मैं कोई ट्रेड भी लेके दिखा देता हूँ आपको, अब देखिए यहाँ पे हम ट्रेड लेते इजिली विन करते कि नहीं आप मुझे बताओ, इजिली विन करते, कोई बट नहीं था, लेकिन आपको थोड़ा सा कैंडल पे ध्यान देना है, जहां से आपसे गलती ना हो, आप आग मुन के ट्रेड नहीं प्लेस करोगे। अब जैसे कैंडल पे क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा जूम आउट कर लिया, अब देखिए ये रेट नीचे आएगा, मार्केट रेड बन रहा है, रेड बन रहा है, रेड बन रहा है, यहाँ से इस बॉन्ड को टच कर चुका है, तो यहाँ से मार्केट को अप जाना है, तो मार्केट अप जाएगा तो कैंडल कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ये कैंडल ग्रीन है, इस कैंडल पे आप प्लेस करते, यहाँ पे अगर रेड बनता तो आप ट्रेड प्लेस नहीं करते, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, कैसा कैंडल बन रहा है, ग्रीन बन रहा है ठीक है, उसके नीचे आने का मतलब कैंडल रेड बनना चाहिए, तो इस कैंडल पे भी आप प्रेस नहीं करते, इस कैंडल पे कहीं आप प्लेस करते हैं अपना ट्रेड और एक कट देख लेते हैं आप ठीक है। तो थोड़ा सा कैंडल पे बेसिस भी आपको समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। अभी देखिए कट कर रहा है इसको, अभी जिगजैग हमें डाउन का सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये लाइन अभी ठीक से इसको कट नहीं कर रहा है, ना इंस्टोग्राम पे हमें बार मिल रहे हैं कोई प्रॉपर ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम 20 सेकंड तक, इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगा उस पे हमारी डिसाइड होगी कि ट्रेड कैसी होगी ठीक है। देखिए 14 सेकंड रह गया, थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक कोई पॉइंट में डिस्क्राइब कर दूं आपको। अब देखिए जहां जहां मैंने बताया जिस हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से काम करती है स्ट्रेटजी, कोई इफ वाली बट वाली बात ही नहीं है, काफी रिसर्च के बाद स्ट्रेटजी बनी है। अब देखिए ये जो कैंडल बन रहा है बीच में भी बहुत सारे डाउट है, इंस्टोग्राम पे बार छोटे छोटे मिलने चालू हो गए हैं और ये भी कट कर रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा सा रिस्की बेसिस एक ट्रेड लेता हूँ $100 का और मैं प्लेस करूंगा एक मिनट के लिए, मैं डाउन ट्रेड ले लेता हूँ ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए, आपको मार्केट के फॉल से भी तो बचने हैं। देखिए ये इसको कट कर रहा है, आराम से कट कर रहा है ना, ये लाइन ग्रीन लाइन इस लाइन इंस्टोग्राम पे बार, मैं थोड़ा सा आपसे बोलूंगा क्लियर कट मिले आपको, क्लियर कट मिले आपको ठीक है, क्लियर कट मिले दोस्तों। दूसरी चीज ये वाला जो कैंडल था ये क्रॉस ओवर कर रहा है ना, ये देखिए ये कैंडल रेड बना, इसके बाद वाली भी कैंडल रेड बने इसके बेस के नीचे से, तब आप ट्रेड प्लेस करते। दूसरी चीज आप एक चीज नोटिस करोगे कि कट होना चाहिए क्लियर, और तीसरी चीज इंस्टोग्राम पे बार ढंग से बनने चाहिए। तो ये चीज बताने के लिए ताकि आप इससे बच जाए, हड़बड़ी में ट्रेड ना लें, इस वाली चीज को मैं कंफर्म करने के लिए ये मैं आपको बता रहा था। ऐसी चीजों से आपको बचना है, थोड़ा सा कंफर्मेशन, पूरा कंडीशन फुलफिल हो तभी आप ट्रेड प्लेस करें। तो देखिए हम लॉस में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए था, प्रॉफिट एंड लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ठीक है। अभी देखिए पूरा कट नहीं मिल रहा हमें, अभी शायद हम ट्रेड विन कर चुके, चलिए बहुत अच्छा, ये देखिए ट्रेड हम विन कर चुके हैं। तो आप ऐसे जगह ट्रेड नहीं करोगे, देखो फ्लक्चुएशन है, मार्केट नीचे आ रहा है तो ये रेट बना, इसके बाद वाला जो कैंडल इस लाइन में इंक्लूड होगा उस पर ट्रेड नहीं प्लेस करोगे, ये रेड बना उसके तब ये क्लियर कट मिलता हमको यहाँ पे और इंस्टोग्राम पे बार मिलते तब आप ट्रेड पे। ये तीनों कंडीशन फुल होने के बाद भी ये कंडीशन आपके हमारे फुलफिल नहीं हो रही अपर साइड वाले, तो फर्स्टली आप काम करोगे अपनी लोअर बाउंड और अपर बाउंड के हिसाब से, तब पे कंफर्मेशन लोगे तब आप ट्रेड प्लेस करोगे ठीक है। और थोड़ा सा आप इसको एडवांस बनाना चाहते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें पैराबोलिक ऐड कर देता हूँ जो आपके लिए और किफायती हो जाएगा। पैराबोलिक कोई डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं, तो पैराबोलिक के डॉट भी देखोगे आप, और पैराबोलिक कैंडल के नीचे से डॉट देता है मार्केट अप जाता है, और पैराबोलिक कैंडल के ऊपर से डॉट देता है तो मार्केट डाउन आता है ठीक है। तो इस कंफर्मेशन के लिए आप पैराबोलिक ले लोगे, तो कम से कम 2 से 3 पैराबोलिक डॉट का वेट करोगे तब आप ट्रेड प्लेस करोगे ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और काफी आसान और काफी अल्टीमेट स्ट्रेटजी है। अगर 10 आप ट्रेड प्लेस करते हो तो 8 से 9 आप पक्का विन करोगे, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं डेली जो न्यू वीडियो लेके आता हूँ आपसे मिस आउट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।